उस बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, इस लेक्चर के अंदर हम जो बीए के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं उसके सिलसिले में जो नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी, उसके सिनोनिम्स जो हैं उसके पूरे नावल में से कुछ हमने इम्पोर्टेंट उनकी सोल्यूशन दी है। और इससे पहले हम एमसीक्यूज़ जो हैं वो इसके एक लेक्चर में दे चुके हैं। अब सिनोनिम्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि इसके होने चाहिए और डेफिनेटली होने चाहिए, दैट्स वाई ये जो है ना हमने ये वीडियो जो है वो बनाई है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इसके बाद हम वीडियो इंशाल्लाह करेंगे जिसमें जो है वो एक ऑनलाइन एक पेपर आपको सोल्यूशन के लिए देंगे। उसके लिए तमाम वीडियोस हमारी जो बीए ऑनलाइन एग्ज़ाम की हैं वो ज़रा उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। तो वो इंशाल्लाह 18 अगस्त को कोशिश है कि वो आप वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो पहला एमसीक्यूज़ है द ओल्ड मैन वाज थिन एंड गॉन। तो ये है थिन, इसका भी ये सिनोनिम है थिन का। सैन डिएगो हैड ब्राउन ब्लॉचेस, ब्लॉचेस होता है दाग द बे स्पॉट्स ऑन स्किन, बी ऑप्शन। नंबर थ्री है दे आर एज ओल्ड एज एरोजन्स, एरोजन कहते हैं कटाव को, वोन्स यानी यहाँ सिनोनिम इसका बनेगा जख्म। द स्किफ वॉज हॉल्ड अप, हॉल्ड अप मीन कैरड, बी ऑप्शन। इस दे स्पोक करंटली अबाउट, दे स्पोक अबाउट द करंट, वो करंट के बारे में गुफ्तगू। करंट जो है ना ये हम राद है बहाव, पानी या हवा के बहाव को करंट बोलते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय बुचर्ड, बुचर्ड का मतलब होता है यानी कि ज़िबा करना, सी ऑप्शन, स्लॉटर्ड। व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब स्मेल, बी ऑप्शन। आई कैन रिमेंबर दी बॉल स्लैपिंग, स्लैपिंग का मतलब थपेड़े मारना, ज़ोर ज़ोर से मारना, सी ऑप्शन, स्ट्राइक साउंडली। और नाइन नंबर है आई कैन रिमेंबर दी बॉल स्लैपिंग एंड बैंगिंग, बैंगिंग होता है सडन नॉइज, एकदम से जो शोर आता है। टेन नंबर में थॉट है तो उसका होता है एडवर्स, बी ऑप्शन। अलेवन नंबर है आई कैन गेट फोर बेट्स, टू बेट्स कहते हैं वो मछलियां जो कांटे पे लगा के बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं, यानी तो उसको तमा कहते हैं उर्दू में, कैचिंग फिश। दे पिकड अप दी गेयर फ्राम द बोट, गेयर कहते हैं साजो सामान को, बी ऑप्शन यानी एक्विपमेंट। व्हाट इज़ शाफ्ट, शाफ्ट क्या होती है, ये एक तरह का एरो टाइप जो है वो एक कह लें इंस्ट्रूमेंट होता है, ए ऑप्शन। व्हाट इज़ स्टर्न, स्टर्न इज़ अ रेयर पार्ट ऑफ अ शिप, कश्ती का पिछला हिस्सा जो है ना दैट इज़ कॉल्ड स्टर्न। टू सबड्यू द फिश, सबड्यू कहते हैं गलबा पाने को, ओवरकम करने को। व्हाट इज़ शैक, शैक कहते हैं झोंपड़ी को, सी ऑप्शन, हट। 17 है देयर वर रेलिक्स ऑफ हिज वाइफ, रेलिक्स कहते हैं तबरुकात को, बाकियात को, डी ऑप्शन, रिमेन्स यानी बाकियात। टिंटेड, टिंटेड 18 नंबर में टिंटेड लाइंड है तो इसका मतलब होता है कि जिसमें कलर हो, बी ऑप्शन। ही हैड टेकन द फोटोग्राफ ऑफ हिज वाइफ बिकॉज इट मेड हिम, उसने अपने जो है ना बीवी की जो फ़ोटोग्राफ थी उसे जो है उतार दिया था, वजह ये थी कि उसे बहुत ज़्यादा तन्हाई का एहसास दिलाती थी, डी ऑप्शन। योर स्टू इज़ एक्सलेंट, स्टू कहते हैं यानी कि पकी हुई डिश को, सालन को। व्हाट इज़ मेड बाय इरिडिसेंट, इरिडिसेंट मीन ब्रिलियंट, बी ऑप्शन, रोशन। फिलामेंट्स से 27 नंबर है, फिलामेंट्स, फिलामेंट्स का मतलब होता है वायर्स, धागे। योर वोर, ये प्रोस्टिट्यूट को बोलते हैं, डी ऑप्शन। 29 नंबर देवर इम्यून टू इट्स पॉइजन, इम्यून होता है एग्जैम्प्ट होना, इन बेअसर होना, 29 नंबर का, बी ऑप्शन। 30 नंबर है व्हाट इज़ मेड बाय विप्लैश, विप्लैश का मतलब होता है कि शदीद जख्म, जलन वाला जख्म, सी ऑप्शन। देवर कम्प्लीटली कैरापेस्ट, कैरापेस्ट होता है हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बोन, यानी कि जो बोन होती है उसका एक सख्त खोल।
ही एट डैश एग्स टू गिव हिमसेल्फ स्ट्रेंथ, वो अपने आप को जो है वो किस रंग के अंडे जो है ना वो खाता था देने के लिए ताकत, तो वाइट एग्स। आई ओनली पिक्ड अ स्ट्रैगलर, स्ट्रैगलर का मतलब है स्प्रेड आउट ग्रुप, फैला हुआ एक ग्रुप। द मिरर्ड ऑफ फ्लैक्स ऑफ प्लैंकटन वर नूल, मिरर्ड का मतलब होता है बेशुमार, काउंटलेस। द मिरर्ड फ्लैक्स ऑफ प्लैंकटन वर नूल, फ्लैक्स कहते हैं निशानों को, मार्क्स को। द मिरर्ड फ्लैक्स ऑफ प्लैंकटन वर अनुल्ड, अनुल्ड का मतलब डिजॉल्व, ए ऑप्शन। विदाउट बम्पिंग द बोर्ड, बम्पिंग कहते हैं मिहच को, लेखाने को, डी ऑप्शन बोल्टिंग। दिस टाइम इट वॉज टेंटेटिव बुल, टेंटेटिव का मतलब होता है गैर यकीनी, अनसर्टन, ए ऑप्शन। ही अनलीस्ड इट फ्रॉम द स्टिक, अनलीस्ड का मतलब होता है लेट गो, यानी किसी चीज़ को ढीला छोड़ देना। ही हैज़ इट साइडवेज, साइडवेज मतलब होता है पोजिशनड, डी ऑप्शन। Until it was too so tight, तो इसका होता है नॉन स्लैक, यानी सुस्त ना होना। बेड्स ऑफ वाटर जंपिंग फ्राम, वैसे तो मोतियों को बोलते हैं लेकिन यहाँ आएगा पानी के जो मोती हैं मुराद है ड्रॉप्स, डी ऑप्शन। ही स्टिल हेल्ड इट ब्रेसिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट इट, अगेंस्ट दी थॉट, तो ब्रेसिंग होता है अपने लपेट लेना, होल्डिंग करना, बी ऑप्शन। आई एम बींग टॉड बाई अ फिश, टॉड मीन पुल्ड, खींचा जाना, बट ओनली टू एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ए ऑप्शन। आई हैव नो क्रैम्प्स, क्रैम्प्स का मतलब होता है पट्ठों में खिंचाव ना, डी ऑप्शन, कंट्रैक्शन ऑफ मसल पेनफुली। उसके बाद है 47 नंबर, कॉशियसली, ही कॉशियसली वर्क, कॉशियसली लगता है एहतियात से, केयरफुली, बी ऑप्शन। इट वॉज शार्प एज अ साई, तो ये होता है ब्लेड को बोलते हैं, 48 नंबर। और 49 नंबर, होल्डिंग दी रैपियर बिल्ट, रैपियर बिल्ट कहते हैं बहुत पतले ब्लेड को, सिलेंडर ब्लेड को। ही इज लिवेंडर विंग्स, लिवेंडर पेल पर्पल कलर को बोलते हैं। 51 नंबर, दे वर पेक्टोरल फिन्स, पेक्टोरल पर्टेनिंग टू चेस्ट, जो चेस्ट पे मौजूद हों। और वेन वंस थ्रू माय ट्रेचरी, ट्रेचरी कहते हैं ट्रीजन को, गद्दारी को। गन वेल ऑफ द स्किफ, गन वेल कहते हैं टॉप एज ऑफ द स्किफ को, ऊपर वाले हिस्से को, किनारे को स्किफ के। बट इट कोगुलेटेड एंड ड्राइड, कोगुलेटेड था खून का जम जाना, ब्लड क्लोटिंग हो जाना, सी ऑप्शन, यानी ज़ख्म हो और उसके बाद खून निकलता है और जम जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कोगुलेटेड। आई वॉन्डर वट ही मेड दी लर्ज, सडन मोमेंट, ये ए ऑप्शन। 56 नंबर, ही टेटेड ऑन इट, टेटेड का मतलब होता है इनडिसाइसिवनेस, यानी ऐसी हालत में होना कि जब फैसला ना इंसान कर पाए। 57 नंबर, इट वुड नॉट बी बैड टू ईट विद अ लिटिल लाइम, ये सिट्रस फ्रूट यानी रसदार फल को बोलते हैं, बी ऑप्शन। आई मस्ट इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज होता है कोई नई तरह करना, कोई नया रास्ता निकाला, इन्वेंट कर, बी ऑप्शन। और वट इज़ मेड बाई ब्लरिंग, ब्लरिंग कहते हैं यानी कि हेजी होने को, यानी धुंधलेपन होने को। 16 नंबर, वट इज़ मेड बाई एचिंग, एचिंग का मतलब होता है डेलिनेटिंग, यानी किरदार निगारी करना। बट नाउ दे वर इन हरिकन मंथ्स, हरिकन बोलते हैं साइक्लोन को, ये जो समुद्री बमर झक्कड़ चलते हैं। 62 नंबर, ही सा दी वाइट क्यूमुलस बेल्ट लाइक फ्रेंडली पाइल्स, अ वाइट स्वेलिंग क्लाउड को बोलते हैं, एक बहुत घना जो है ना सफ़ेद रंग का जो बादल होता है। 63 नंबर, इट हैज़ इट्स पर्ल्स एंड मेरिट्स, डेंजर्स को बोलते हैं, बी ऑप्शन। और वट इज़ मेड बाय शीत, शीत अ हॉल्स्टर ऑफ सोर्ड, बी ऑप्शन। 65 नंबर है, ही पुट वन ऑफ हिज फीट ऑन द फिश एंड स्लिट हिम, स्लिट का मतलब होता है स्प्लिट, यानी अलग अलग कर देना इसके से। देन ही पुट हिज नाइफ डाउन एंड गट इट हिम विद राइट हैंड, गट इट का मतलब रिमूव्ड। और ही फेल्ट द मॉ हैवी एंड स्लिपरी, मॉ कहते हैं स्टमक को। उस 68 नंबर, वट इज मीन बाय लिप्रस, लिप्रस कहते हैं कोड़ी को, डिकेड गली सड़ी चीज़ को।
और ही स्लेड दी कार्कस, कार्कस बोलते हैं डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों के मुर्दा जिस्म को। आई एम नॉट नॉसिटेड हैविंग फीलिंग ऑफ नोजिया, जब आप जो है वो फीलिंग हो आपको नोजिया की। देयर वर शिप ले एंकर्ड, एंकर्ड होता है लंगर अंदाज होना, जहाज वगैरह का स्टॉप रुका होना। व्हाट इज़ मीन बाय ब्रीज, ब्रीज किसको बोलते हैं, ब्रीज बादे सुबह को नरमो नाजुक हवा को, जेंटल विंड को, बी ऑप्शन। ही ट्राई टू कीप द कटिंग अक्रॉस द कैलस पार्ट, कैलस पार्ट इमोशनली हार्ड एंड जज्बाती तौर पर बहुत सख्त दिल। और ही जस्ट फेल्ट अ फेंट स्लैकिंग, फेंट में मदहम सी, और स्लैकिंग कहते हैं लेस डेट यानी कम जो है वो सुस्त होना। लेट इट गो ग्रजिंगली, ग्रजिंगली अनविलिंगली। पर्पल स्ट्रिप्स दैट बैंडेड हिम, बैंडेड होता है कि यानी मार्क विद कलर जिस पे रंगों को से दाग आ गया हो। व्हाट इज़ मीन बाय पैलेस, पैलेस मीन काम पुरस्कून। और व्हाट आर ईल्स, ईल्स क्या होती हैं, स्नैक लाइक फिश होती है समुंदर में, एक स्नैक की तरह की फिश। हिज हैंड्स वर मशी, मशी मीन सॉफ्ट, सिल्वर एंड बार्ड विद पर्पल, बार्ड होता है हैविंग बार्स जिसके ऊपर बार बार बनी हुई हैं। इट वॉज डार्क एज अ शोल, शोल कहते हैं सैंड बार को। नाउ आई मस्ट प्रिपेयर नूजिज, नूजिज एडजस्टेबल रोप्स, जिस ऐसे रस्से जिनको एडजस्ट किया जा सके। आई विल स्प्लाइस देम, स्प्लाइस मीन अनटाई करना और खोलना। इंस्टेड ही ले देयर वेलिंग, वेलिंग का होता है मूव लेजीली, जैसे कि इंसान कीचड़ में गारे में जो है ना लेजीली जो मूव कर रहा हो। व्हाट इज़ पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू को बोलते हैं, बड़ा जो इंसान बड़ा जामे किस्म का एक व्यू लेता है किसी चीज़ के बारे में। द ओल्ड मैन पिंच देयर हेड्स ऑफ, पिंच का मतलब होता है स्क्वीज कर देना। आई ब्लड दैम, ब्लड का मतलब होता है कि इस ब्लीड की सेकंड फॉर्म है कि टू लेट ब्लड यानी कि जो है खून बहने देना। उसके बाद है ही सॉक्ड हिज हैंड्स इन द वाटर, उसने पानी के अंदर अपने हाथ जो है ना वो भिगोए, सॉक ड्रेंच इन वाटर डिबोए। व्हेन ही रैम्ड द हार्पून, रैम्ड का मतलब होता है द स्टक, जोर से ज़रब लगाना। हिज आईज इंटरसेक्टेड विद द लाइंस, इंटरसेक्टेड का मतलब डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, हिस्सों में बटना। ही हैड बीन म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड खटा खटा, डिस्ट्रॉयड ए ऑप्शन। आई कैन लैश, लैश होता है बांधना, टू बाइंड विद रोप रस्से से बांधना। व्हाट इज टिलर, टिलर क्या होता है, हैंडल ऑफ द रडर, तश्री का जो रडर होता है उसका हैंडल। ही इज़ नॉट अ स्केवेंजर, स्केवेंजर वन दैट फील्स ऑन डिकेइंग मैटर, वन दैट फील्स ऑन डिकेइंग मैटर, ऐसा जो मुर्दार खा, ऐसी चीज़ जो मुर्दार खाती हो। द बॉय कीप्स मी अलाइव, ये एम सी क्यूज़ है, ये एक जगह ओल्ड मैन बोलता है ये अल्फाज। देर वॉज नो स्विंगनेस, तो ये होता है फाइबरस रेशेदार। वट इज़ शोल नोज, शोल नोज कहते हैं हैविंग नो स्पेड लाइक नोज, जैसे बेलची जैसा नाक को। वट इज़ मीन बाई फ्लिंच, फ्लिंच मीन सडन इनवॉलंट्री मूवमेंट, अचानक जो है ना वो बे अख्तियार जो हरकत को जानदार करता है। वट इज़ जंक्चर, जंक्चर कहते हैं ऐसी ज्वाइनिंग पॉइंट को जहाँ जो कोई चीज़ इकट्ठी हो रही हो। ही बेयरली गॉट द नाइफ इन, बेयरली होता है वो मुश्किल, हार्डली। वट आर वर्टेब्रे, वर्टेब्रे बोलते हैं, ये प्लूरल है वर्टेब्रा का, इसका मतलब स्मॉल बोन्स विच मेकअप दी बैक बोन्स, छोटे छोटे बैक बोन में जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो वर्टेब्रे कहलाती हैं। ही फील्ड दी कार्टिलेज स्वेयर, कार्टिलेज अ टाइप ऑफ डेंस नॉन वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद है ही फेल्ड दी कार्टिलेज स्वेयर, स्वेयर का मतलब होता है कट ऑफ। द नाइफ ब्लेड स्नैप्ड, स्नैप्ड का मतलब होता है ब्रॉक तोड़ देना। वट इज मीन बाय फ्लैक्सिंग, फ्लैक्सिंग मीन बैंडिंग झुका होना। स्लैमिंग ऑन टू द टॉप ऑफ द शार्क्स हेड, स्लैमिंग होता है शटिंग विद सडन फोर्स, एकदम से जो है ना किसी चीज़ को बंद कर देना। द शार्क लुक्ड एट हिम, रेंच द मीट लूज,
रेंच का मतलब होता है ट्विस्टेड वायलेंटली, एकदम से बलखाना। द शॉक टोर द मीट स्लगिशली, स्लगिशली मीन सुस्ती से, डी ऑप्शन। दे वर ओनली परसेप्टिबल एट फर्स्ट, परसेप्टिबल जिनका जिनको महसूस किया जा सके, इधर जिनका इधराक किया जा सके, डी ऑप्शन। ही लंग एट द शॉक विथ स्प्लिंटर्ड बर्ड, इसका मतलब होता है मूव फॉरवर्ड। He lunged at the shark with splintered bird. Splintered होता है स्प्लिट, फटी हुई चीज़ को। इट वॉज कॉपरी, कॉपरी कॉपर लाइक, जैसे कॉपर जैसी हो। जैक्ड एंड ऑफ द आर्टिलर मीन रफ एंड, डी ऑप्शन। वट इज शिंगल, शिंगल क्या होती है? अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ स्टील, एक रेक्टेंगुलर की शक्ल का स्टील का टुकड़ा। वट इज बैराकुडा, बैराकुडा क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ काइंड ऑफ फिश।